हम तो इस बात को हैरान हैं कि बंगाल की सरकार को डर किस बात, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को डर किस बात का, वहाँ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को डर किस बात का, होने दो सीबीआई इंक्वायरी। वहाँ पे हमारे पास सोने के लिए डॉक्टर्स ड्यूटी रूम नहीं है, हमारे सर्जिकल कॉलीग्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए चेंजिंग रूम, प्रॉपर चेंजिंग रूम और रेस्टिंग रूम नहीं है। और मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, मुझे भी पता है कि रात को क्या क्या होता है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से एक घटना 8 अगस्त को सामने आई। दरअसल वहां पर एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। 9 अगस्त को जब ये घटना संज्ञान में आया, इसके बाद से डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तब से अब तक डॉक्टर जो है वो विरोध कर रहे हैं और लगातार कई मांगे भी सरकार के सामने रख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी आरएमएल हॉस्पिटल में है और यहाँ पर भी देख सकते हैं हमारे पीछे तमाम डॉक्टर बैठे हुए हैं और इनका विरोध प्रदर्शन जारी है। आइए मांगों को लेकर उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रशांत बघेल है। प्रशांत जी, क्या कुछ मांगे हैं आपकी और कितनी मांगे जो है पूरी हो चुकी है? देखिए, हमें समझ नहीं पा रहा है, हमारी कोई ज्यादा मांग नहीं है, हमारी मांग सिर्फ है सीबीआई इंक्वायरी, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। हम तो इस बात को हैरान है कि बंगाल की सरकार को डर किस बात का, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को डर किस बात का, वहाँ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को डर किस बात का, होने दो सीबीआई इंक्वायरी, आने दो सत्य क्या है। क्योंकि हम इसलिए डर रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने शुरुआत में डॉक्टर को साइकोटिक घोषित कर दिया, सुसाइडल घोषित कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? आप अपने सत्यता को छुपाने के लिए आपने किसी डॉक्टर को सुसाइडल घोषित कर दिया। अब हम लोग चाहते इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो। बंगाल सरकार डर किस बात की रही है? होने दो सीबीआई इंक्वायरी, सीबीआई इंक्वायरी होगी सही बाहर निकल के आएगा। हम तो सपोर्ट करेंगे बंगाल सरकार का कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट वो भी लागू होना चाहिए। हम लोगों की यही डिमांड है। यदि ये डिमांड, हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, हम लोग कंटिन्यू स्ट्राइक करेंगे। जो बंगाल के सीएम है ममता बनर्जी, उनका एक बयान सामने आया कि रविवार तक वो पुलिस को अल्टीमेटम दे रही है, उसके बाद से सीबीआई जांच को आगे बढ़ाएंगी, केस जो है वो सीबीआई जांच के लिए भेजेंगी। ममता दीदी टाइम क्यों चाहती हैं? हमें समझ नहीं, टाइम चाहती क्यों है? यदि ममता दीदी का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इतना ही अच्छा होता तो शुरुआत में उस डॉक्टर को साइकोटिक और डिप्रेशन और सुसाइडल घोषित नहीं किया जाता। यदि ममता बनर्जी इतनी ही मतलब वहाँ का पुलिस एडमिशन का अच्छा होता तो टाइम क्यों चाहिए उनको? टाइम चाहिए उनको सबूतों को मिटाने के लिए। ये सच्चाई है, देश की जनता भी जानती है, और हम देश की जनता से अनुरोध करेंगे कि हम लोगों का सहयोग करें, सपोर्ट करें। क्योंकि जो जिस डॉक्टर का मतलब रेप हुआ है, वो डॉक्टर किसी की मतलब कल आपकी बेटी भी हो सकती है, किसी और बेटी के साथ हो सकता है। इसीलिए देश की जनता अनुरोध करेंगे, हमारा सपोर्ट करें और सहयोग करें। क्या नाम है मैम आप? जैस्मिन, डॉक्टर जैस्मिन। डॉक्टर जैस्मिन, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं कि जो भी विक्टिम को जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले, उसके लिए सीबीआई इंक्वायरी हो और केस फास्ट ट्रैक किया जाए। दूसरी हमारी मांग है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके तहत ऐसे केसेस का जल्दी फास्ट ट्रैकिंग हो पाए। और दूसरा, सारे हॉस्पिटल्स में सीसीटीवी कैमरास और सिक्योरिटी की प्रोविजन हो। बेसिक सुविधाओं की मांग आप कर रही है, क्या यहाँ पर आप लोगों को मिलता है? आरएमएल हॉस्पिटल में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, जिसके ऊपर कोई हॉस्पिटल नहीं, वहाँ पे हमारे पास सोने के लिए डॉक्टर्स ड्यूटी रूम नहीं है, सारे हमारे सर्जिकल कॉलीग्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए चेंजिंग रूम, प्रॉपर चेंजिंग रूम और रेस्टिंग रूम नहीं है। जहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट का ये हाल है, तो जो प्राइमरी केयर और सेकेंडरी केयर के हॉस्पिटल्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल है, उसमें मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही कि क्या होता है। और स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स का भी आई कैन नॉट इमेजिन कि वहाँ पे क्या कंडीशन हो। जिस डॉक्टर की हत्या कर दी गई, उसके साथ रेप हुआ, उसके परिवार वालों के लिए कुछ मांग है आप लोगों की? उसके परिवार वालों के लिए प्रॉपर कॉम्पेंसेशन होना चाहिए। उन्होंने अपनी बेटी को 20 साल तक पढ़ाया है, जो हो सकता है वो उनकी इकलौती सैलरी अर्निंग पर्सन हो, उनके लिए प्रॉपर कॉम्पेंसेशन होनी चाहिए। और तो ये सारी कॉम्पेंसेशन भी उनकी बेटी की कमी तो नहीं पूरी कर पाएंगी, लेकिन कुछ हद तक उनके लिए कॉम्पेंसेशन होना चाहिए। जब आपने पहली बार इस घटना को सुना, तब आपके मन में क्या कुछ उठा, कैसी फीलिंग रही?
देखिए मैं भी कोलकाता से हूँ, मेरा MBBS कॉलेज आजीगढ़ से मुश्किल से ही थोड़ी दूरी में है, तो एक तो अपना सिटी का सेंटीमेंट है, उसके ऊपर से इतना घटिया एक हरकत हुआ है। और मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, मुझे भी पता है कि रात को क्या क्या होता है, लेकिन ये वाला सारे की कल्पना की अतीत है। रात को क्या क्या होता है, मतलब थोड़ा ब्रीफली बताइए, खुल के बताइए। देखिए वैसे हम लोग जब इमरजेंसी में रहते हैं, पेशेंट का अटेंडेंट का असॉल्ट तो आजकल बहुत ही आम बात हो चुका है, और दूसरा हम दिल्ली में काम करते हैं, सेंट्रल एक इंस्टीट्यूट में काम करने के बावजूद भी जब हम लोग पेरिफेरीज में, पेरिफेरल वार्ड्स में इमरजेंसी से पेशेंट्स को कभी कभी देखने जाना पड़ता है इमरजेंसी के लिए, तो तभी भी रास्ते एकदम ही अंधेरे होते हैं, इधर कोई गार्ड्स नहीं होते हैं। आज कोलकाता में हुआ है, कल दिल्ली में नहीं होगा, इस बात की गारंटी कौन दे।